मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के मौसम में बारिश हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने बारिश के आंकड़े दर्ज किए हैं। इन जिलों में बेमौसम बारिश हो रही है, जिससे भीषण गर्मी के रहते हुए सामान्य से कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में शहडोल, रीवा सहित कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे प्रदेश के चंबल, रीवा, सागर, जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। शेष प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। वर्षा के प्रमुख आंकड़े हैं सेंटीमीटर में। मवई, जवा, अमरपाटन में 3 सेंटीमीटर, डिंडोरी में 2 सेंटीमीटर, नागौर, सिरमौर, बिहारी में 2 सेंटीमीटर, वेंकटनगर, भैया, चिन्नौड़ी, गैथरी, हनुमना, विजय, राघोगढ़, उमानगंज में 1 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अधिकतम तापमान शहडोल संभाग के जिलों में काफी गिरे तो 6 संभाग जिलों को विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सबसे अधिक तापमान 41 डिग्री नरसिंहपुर दर्ज किया गया। आगामी 24 घंटे के लिए वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें कहीं कहीं जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में तथा बैतूल, खंडवा, हरदा, खरगोन एवं नर्मदापुरम, बुरहानपुर जिले में होने की संभावना है। चेतावनी जो है गरज चमक के साथ वज्रपात एवं तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की, कहीं कहीं जबलपुर, शहडोल संभाग के जिले, बैतूल, खंडवा, हरदा, खरगोन, बुरहानपुर जिले में होने की संभावना है। और तापमान में आगामी 48 घंटों में 2 से 3 डिग्री गिरावट होगी, उसके बाद कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। भोपाल में मुख्यतः शुष्क साफ रहेगा और वेदर और अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम 21 डिग्री की संभावना है।